नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बढ़िया सा प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं दोस्तों। वो प्रोडक्ट जो है ये रहा। तो दोस्तों ये रहे द ब्रांड न्यू Realme Buds Air। तो दोस्तों इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं, साउंड परफॉर्मेंस किस तरह होता है, अंदर बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ये सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और आप मेरे साथ देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ यानी पीआर टेक के साथ। तो दोस्तों ये रहा बॉक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। बॉक्स के ऊपर देखेंगे तो आपको Realme का ब्रांडिंग देख सकते हैं, बर्ड्स एयर लिखा गया है, बर्ड्स का इमेज देख सकते हैं, दोनों साइड्स में आपको Realme का ब्रांडिंग देख सकते हैं। कंप्लीटली नीचे आएंगे तो आपको स्पेसिफिकेशंस एंड कस्टमर केयर का सर्विस डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। कंप्लीटली बैक आएंगे तो आपको बर्ड्स केस के साथ आपको इमेज देख सकते हैं दोस्तों। एंड नीचे आपको 6 फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि सुपर लो लेटेंसी मोड, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट, गूगल फास्ट पेयर, वेयर डिटेक्शन, डायनेमिक बेस बूस्ट ड्राइवर्स, ड्यूअल माइक नॉइस कैंसिलेशन। एंड नीचे रिमार्क में देखेंगे तो सुपर लो लेटेंसी मोड गेमिंग मोड में ही ऑन होता है, इस तरह लिखा गया है। तो चलिए दोस्तों बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। तो चलिए बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स को ओपन करने के बाद आपको जो है ईयरबड्स का केस देख सकते हैं, इसमें ही आपको बड्स देखने को मिलते हैं दोस्तों। तो ये रहा पहला कंटेंट, और क्या क्या आपको देखने को मिलते हैं तो चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर। मेनली आपको जो है फोम देख सकते हैं दोस्तों प्रोटेक्शन के लिए। एंड इस पैनल को ओपन करके देखेंगे तो आपको जो है केबल देख सकते हैं, ये केबल जो है चार्जिंग करने के लिए है दोस्तों। टाइप सी केबल आपको देखने को मिलता है, यूएसबी टू टाइप सी। एंड बॉक्स के अंदर आपको जो है यूजर मैनुअल देखने को मिलता है दोस्तों, जिसे पढ़ के आप प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, और हमारा वीडियो देख के आप और अच्छी तरह अपना प्रोडक्ट को जो है यूज कर सकते हैं। तो ये रहा बर्ड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो चलिए सील को ओपन करते हैं। तो ये रहा, मैं ओपन कर चुका हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह अपना बर्ड्स का लुक जो है देखने को मिलता है। डिज़ाइन जो है काफ़ी कमाल का है दोस्तों, के हाथ में जो है इजीली बस जाता है, काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड काफ़ी स्टाइलिश लुक आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। मेनली आपको जो है मिडिल में बटन देख सकते हैं दोस्तों, पेयर करने के लिए यूज़ होता है। नीचे जो है आपको टाइप सी का पोर्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड बैक साइड में डिज़ाइन बाय Realme लिखा गया है दोस्तों, छोटे छोटे अक्षरों में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड तो चलिए ओपन करते हैं बर्ड्स को जो है। तो इस तरह अपना केस ओपन होता है दोस्तों। एंड यहाँ पर आपको एलईडी इंडिकेटर आपको देखने को मिलता है दोस्तों। एंड ऑरेंज कलर का ब्लिंक होने के मतलब ये है कि ये रेडी टू पेयर है, इसे आप पेयर कर सकते हैं। तो इस तरह अपना जो है बर्ड्स यहाँ पर आप निकाल सकते हैं दोस्तों, इस तरह अपना लुक जो है देखने को मिलता है। एंड ये Realme Buds जो है तीन डिफरेंट कलर ऑप्शंस में आपको देखने को मिलते हैं, येलो, ब्लैक, व्हाइट, या मेन व्हाइट कलर का वेरिएंट जो है आप देख रहे हैं। और अब बात करते हैं केस के वेट के बारे में। ये मेन 42.3 ग्राम्स है दोस्तों। अगर इसमें से आप बर्ड्स को ओपन करके देखेंगे तो इसे साइड में रख के बर्ड्स का वेट करेंगे तो ये भी काफ़ी लाइट वेट है। ईच बर्ड जो है 4.16 ग्राम्स है दोस्तों, उतना लाइट वेट है। एंड काफ़ी कॉम्पैक्टेबल एंड काफ़ी लाइट वेट आपको बर्ड्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं ईच ईयरफोन के ऊपर आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं। मेनली ड्यूअल माइक का सपोर्ट है, ऊपर माइक जो है ऑक्सिलर माइक है, नीचे आपको मेन माइक देखने को मिलता है दोस्तों। एंड यहाँ पर आप जो है मैग्नेटिक पिंस देख सकते हैं केस के अंदर चार्जिंग करने के लिए, स्पीकर ग्रिल, ऑप्टिकल सेंसर यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों। एंड ईयरफोन के बैक साइड में आपको टच कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, वो किस तरह यूज़ करते हैं आगे वीडियो में बताऊंगा। एंड यहाँ पर आपको जो है माइक के नीचे कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है यहाँ पर आपको लेबलिंग दिया गया है। तो दोस्तों ये सब कुछ फीचर जो है एक ईयरफोन के ऊपर आपको देख सकते हैं। एंड इस Realme Buds में जो है आपको एनवायरनमेंट एंड नॉइस कैंसलेशन ENC फीचर आप देख सकते हैं दोस्तों। एंड इसमें आपको Realme R1 चिप देखने को मिलता है, बढ़िया सा गेमिंग परफॉर्मेंस एंड बढ़िया सा ऑडियो क्वालिटी के लिए। तो चलिए दोस्तों अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। मेनली आपको एक बार कनेक्ट करने के बाद ये ऑटोमेटिकली गूगल फास्ट पेयर के साथ जल्दी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। आपको पहली बार करते समय आपको अपना बटन को जो है होल्ड करना होगा दोस्तों, बर्ड्स के ऊपर के बटन को जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेक्ट हो चुके हैं। तो ये रहा, मैं कनेक्ट कर चुका हूँ। ये मेनली ब्लूटूथ 5.2 कनेक्टिविटी के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो चुके हैं। एंड यहाँ पर आपको बैटरी लेवल भी आपको दिखाता है। अब जब भी इसे आप क्लोज करेंगे तो जैसे किस तरह ये ऑफ हो जाता है दोस्तों, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड जब भी आप ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है दोस्तों। इसके बाद आप अपने ईयरबड्स को जो है अपने कानों में लगा के केस को क्लोज करके भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा कनेक्टिविटी के बारे में। और अब बात करते हैं चार्जिंग टाइम एंड बैटरी लाइफ के बारे में। मेनली आपको टाइप सी से चार्जिंग करना होगा दोस्तों, टाइप सी पोर्ट देख सकते हैं। अगर आप 2 आवर्स चार्जिंग करेंगे तो 17 आवर्स का बैकअप आप देख सकते हैं इस केस को यूज़ करेंगे तो। अगर आप ईयरफोन्स को सेपरेटली यूज़ करेंगे तो आपको 3 आवर्स का बैकअप आपको देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों ट्रैक को प्ले करके देखते हैं। एंड इस केस को ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे जैसे कि इस तरह। तो दोस्तों ये कनेक्ट हो चुके हैं। अगर इसे बर्ड्स को जो है इसमें से निकाल के आप रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली पॉज हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं गाना जो है पॉज हो गया है। अगर इसे आप अपने कानों में लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली प्ले होते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं।
अगर इसे आप अपने कानों में से निकाल देंगे तो ये ऑफ हो जाता है, या पर आप देख सकते हैं ये वेयर डिटेक्शन आपको देखने को मिलता है दोस्तों। एंड इसके ऊपर टच सेंसर्स आपको देखने को मिलते हैं, इसे यूज़ करके आप अपने कमेंट्स को जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं एक बार पहन के दिखाता हूँ, काफ़ी कंफर्टेबली अपने ईयर्स में जो है फिट होते हैं दोस्तों। एंड बढ़िया सा लुक आपको जो है देखने को मिलता है, काफ़ी कमाल का फिटिंग आपको देख सकते हैं दोस्तों। कंफर्टेबली आप अपना ईयरफोन्स रख सकते हैं। अब बात करते हैं टच ऑपरेशंस के बारे में, डबल टैप करेंगे तो अपना सॉन्ग को जो है प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, ट्रिपल टैप करेंगे तो स्किप कर सकते हैं दोस्तों अपना ट्रैक को जो है, किसी एक के ऊपर आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो गूगल असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, दोनों के ऊपर प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो आपको R1 चिप सुपर लो लेटेंसी मोड एक्टिवेट कर सकते हैं दोस्तों। इसे ऑफ करने में भी सेम प्रोसीजर आपको देखने को मिलता है, बाकी के टच कंट्रोल्स या प्रॉप स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। अब जब भी दोनों ईयरफोन्स के ऊपर टच एंड होल्ड करेंगे तो इंजन आवाज़ शुरू होता है दोस्तों, जिससे आप सुपर लो लेटेंसी मोड में आ जाते हैं, R1 चिप जो है एक्टिवेट हो जाता है दोस्तों। गेमिंग परफॉर्मेंस में काफ़ी काम आता है एंड काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑडियो परफॉर्मेंस के बारे में, डायनेमिक बेस बूस्ट ड्राइवर के साथ आपको बढ़िया सा बेस आपको सुनाई देता है दोस्तों इस ईयरफोन्स में। 12mm का ड्राइवर से दोस्तों काफ़ी कमाल का ऑडियो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये रहे Realme Buds Air, काफी कॉम्पैक्ट एंड काफी स्टाइलिश डिजाइन के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों। मेन बॉक्स ओपनिंग एंड क्लोज करने में बहुत मजा आता है, सैटिस्फाइंग साउंड आता है दोस्तों। अब बात करते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में, इसमें आपको बढ़िया सा बेस आपको देखने को मिलता है, सारे गाने जो है क्लैरिटी के साथ आप सुन सकते हैं दोस्तों। मेनली कॉल करते समय नॉइस कैंसलेशन जो है बढ़िया सा वर्क करता है एंड आपको इन ईयर डिटेक्शन आपको देखने को मिलता है, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, ये सब कुछ आपको फीचर्स देख सकते हैं दोस्तों। एंड इसके ऊपर जेस्चर कंट्रोल्स आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आप जो है अपना फोन को जो है बढ़िया सा एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा Realme Buds Air एंड इसका मेनली बैटरी लाइफ भी काफी कमाल का है, 2.5 आवर्स चार्जिंग करेंगे तो 17 आवर्स का बैकअप आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये रहा कंप्लीट रिव्यू अबाउट Realme Buds Air, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आओगे, आपको पसंद है तो लाइक कीजिए वरना डिसलाइक कीजिए। इसे आप बाय करना चाहते हो तो नीचे लिंक मैं आपको दे चुका हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाके बाय कर सकते हैं। तब तक मैं हूं आपका PR साइनिंग आउट।